नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं प्रोफेसर सीपी फसीन आपके सामने अपने कुछ विचार लेके उपस्थित हूं। जी हां, इस समय हम लोकतंत्र के एक पावन पर्व से गुजर रहे हैं। लोकतंत्र का पावन पर्व चुनाव। जी हां, हमारे देश की नई लोकसभा का निर्माण 1951-52 के बाद ये चुनाव है जो सबसे लंबा चुनाव है देश में। अप्रैल और मई जो तपते महीने होते हैं, सबसे ज्यादा गर्म महीने इस पूरे वर्ष के जो हैं, उस समय हम चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कल रात से मैं एक ही बात सुन रहा हूं, एक बार पुनः चुनावी प्रतिशत काफी कम रहा, पोलिंग बहुत कम रहा। यही पहले हुआ था, पहले फेस का पोलिंग भी कम था, लगभग 5-6% पिछले चुनावों को देखते हुए, और इस बार भी यही अवस्था है, 5-6% पोलिंग कम हुआ है। जबकि हमारे नेता, हमारे देश के समस्त नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस जनता को लुभाने के लिए। जी हां, जब जब देखा जाता है बड़ी बड़ी रैलियां, और उस तपती दोपहरी में हमारे देश की गरीब जनता को कितना से कितना इकट्ठा करके सामने बैठाकर उनको लोकतंत्र की शिक्षा दी जाए, यही कार्यक्रम चल रहा है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये है कि आप जनता को अपनी उपलब्धियों से अवगत करवाएं। हर राजनीतिक दल का यह कर्तव्य बनता है। प्रश्न ये उठता है जो कल से मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, और मीडिया भी इसको बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कारण है चुनाव इतना कम हुआ। एक तर्क दिया जाता है अप्रैल और मई के महीने में चुनाव करवाना कहां तक उचित है। बिल्कुल सही है, हम सबको मालूम है कि कुछ राज्य को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, उत्तराखंड छोड़ दीजिए और हिमाचल छोड़ दीजिए, बाकी पूरे भारत में गर्मी की क्या अवस्था होती है अप्रैल और मई के महीने में। चुनाव आयोग में जो उच्च अधिकारी, जो आईएएस बैठे हुए हैं, कहते हैं आईएएस का पद बहुत बड़ा होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो हमारे देश के इस समय देश की सबसे ज्यादा चिंता करने वाले नेता हैं, क्या चुनाव से पहले उनके दिमाग में यह प्रश्न नहीं आया था कि अप्रैल और मई में चुनाव करवाना इस देश की जनता को कितना पीड़ित करना होगा। अब मीडिया भी कह रहा है, जी हां, वही मीडिया जो एक पक्षी है वो भी कह रहा है शायद गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक बात मैं आपसे कह दूं, जी हां, एक कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस गर्मी में बाहर निकलना। लेकिन कई ऐसे चित्र भी सामने आए थे कल, 100 वर्ष से अधिक की महिला ने मतदान किया था, बुजुर्ग मतदान कर रहे हैं। एक मन में उत्साह होना चाहिए लोकतंत्र के पर्व को मनाने का। दीपावली पर जब हमारे मन में उत्साह होता है, हम उत्साह किस तरह समूचे परिवार में और समूचे समाज में प्रकट करते हैं। एक उत्साह की कमी इस देश के नागरिकों में दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने भी लगाया है, और बिल्कुल सही लगाया है, लोकतंत्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। लोकतंत्र से अच्छी प्रणाली शासन की कोई नहीं हो सकती, जहां लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन होता है। लेकिन आज जनता, जी हां, मेरी बात को आप कृपया कान खोल के सुन लीजिए, अपने आप को चौराहे पर महसूस कर रही है। इस समय देश का हर नागरिक अपने आप को चौराहे पर महसूस कर रहा है। कुछ नागरिकों को छोड़ दीजिए, परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, अपने आप को श्री राम जी के चरणों में समर्पित करता हुआ देश की जनता की पीड़ा आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। आज देश में महंगाई की स्थिति क्या है? आज देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा,
जितनी बेरोजगारी 2014 में थी उससे ज्यादा बेरोजगारी सामने दिखाई दे रही। यदि देश में गरीबी नहीं है तो फिर 80 करोड़ जनता को मुफ्त का अनाज बांटकर आप उनको अपंगु हैंडीकैप क्यों कर रहे हैं? यदि 140 में से 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस देश में गरीबी है या नहीं है? मुझे तो गरीबी दिखाई देती है, कहीं भी जाता हूं। अभी 10-15 दिन पहले राजस्थान में था, जब मैंने अजमेर के एक युवा से पूछा क्या कर रहे हैं आप, बोला सर मैंने इंग्लिश मीडियम में 12वीं पास किया था, इंग्लिश मीडियम में, जी हां, उसके बाद मैंने बीए किया था राजकीय महाविद्यालय अजमेर, काफी प्रतिष्ठित महाविद्यालय हुआ करता था किसी जमाने में। मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं, बोले अब मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में चपरासी के पद पर कार्य कर रहा हूं। यह रोजगार का एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। अज्ञात अननोन व्यक्ति था, मुझे किसी अस्पताल में मिला था, जब मैंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हैं, बोला मैंने 12वीं इंग्लिश मीडियम से पास किया है, बीए राजकीय महाविद्यालय अजमेर, जिसका नाम अब पृथ्वीराज चौहान हो गया है, मुझे भी कहते हैं बहुत गर्व होता है, लेकिन मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में चपरासी के पद पर कार्य कर रहा हूं। देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, इंडेक्स किस तरह डिसाइड हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आता। पहले भी महंगाई भत्ता बढ़ता था, अब भी राजकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, पैमाना बिल्कुल बदल गया है। मैं इसको लाना भी नहीं चाहता। यदि मैं महंगाई भत्ते की बात करूंगा, डियरनेस अलाउंस की बात करूंगा, तब मैं स्वार्थी एक व्यक्ति कहलाऊंगा। बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हम रोज देखते हैं तेल का भाव क्या है, हम देखते हैं आटे का भाव क्या है, गुड़ का भाव क्या है, दालों का भाव क्या है। जी हां, पेट की जो सबसे पहली प्राथमिकता है, इस शरीर की जो सबसे पहली प्राथमिकता है, पेट की भूख है, और हमें देखना भी वही चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, 2019 के बाद कृपया 2-3 मेरे पॉइंट पर जरा गंभीरता से विचार करें। 2019 के बाद यदि आप किसी भी दुकान पर कपड़ा खरीदने गए हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 5 साल में कपड़े की कीमत 2.5 से 3 गुना बढ़ी है। जी हां, 2019 से मैं 2024 में नहीं कहूंगा, 2019 से 2023 के बीच कपड़े की कीमत 2.5 से 3 गुना बढ़ी है। मैं एक निवृत्त शिक्षक हूं, मेरा काम पढ़ना है, मैं एक उदाहरण आपके सामने लेके आया हूं। ये कुछ पत्रिकाएं हैं जो मैं खरीदता हूं, ये इंडिया टुडे है, मैं समझता हूं इसकी कीमत कोरोना से पहले 25 रुपए से अधिक नहीं रही होगी। आज के टाइम में इस हिंदी इंडिया टुडे, जो बहुत ही आवश्यक है पत्रिका, पत्रिकाओं में सामयिक लेख मिलते हैं, पढ़ने चाहिए, 50 रुपए कीमत है। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य है जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाह रहा हूं, ये इंडिया टुडे इंग्लिश एडिशन है। जिस इंडिया टुडे की हिंदी एडिशन की कीमत 50 रुपए है, इंग्लिश एडिशन की 100 रुपए है। जी हां, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा पास कर रहा हूं, हिंदी एडिशन की 50 रुपए, इंग्लिश एडिशन की 100 रुपए है। दूसरी मैगजीन जो मैं पढ़ना पसंद करता हूं, आउटलुक, हिंदी पत्रिका की कीमत 40 रुपए है। जी हां, हिंदी पत्रिका की 40 रुपए है। वही आप यदि इंग्लिश पत्रिका लेंगे, कीमत 100 रुपए है। 100 रुपए कीमत है इस पत्रिका की। मैंने पहले भी कहा था, प्रतियोगिता दर्पण, चाहे मुझे कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन चूंकि मुझे कई तथ्य एक साथ एकत्रित मिल जाते हैं, ये हिंदी में भी 125 रुपए है और इंग्लिश में भी 125 रुपए है। मैंने आपसे कहा था इसकी पहली प्रति जुलाई 1978 में आई थी, जो मैंने 3 रुपए की खरीदी थी, 3 रुपए की जुलाई 1978 की पहली प्रतियोगिता दर्पण 3 रुपए की, वो आज मैं 125 रुपए की हिंदी की, 125 रुपए के इंग्लिश की लाता हूं। एक प्रश्न मेरा सरकार से है, क्या आप सब्सिडी देते हैं या नहीं? न्यूज़पेपर में सब्सिडी देते हैं, देते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। हर चीज मेरे को ज्ञात हो यह हो भी नहीं सकता और किसी के साथ भी नहीं हो सकता। क्या आप जो पत्रिकाओं के कागज पे सब्सिडी देनी चाहिए वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यदि सब्सिडी देने के बाद हिंदी पत्रिका इंडिया टुडे की कीमत 50 रुपए है, मैं पुरी साहब आपसे भी प्रश्न कर रहा हूं, कलीपुरी से भी, अरुणपुरी से भी, फिर इंग्लिश का इंडिया टुडे आप 100 रुपए में क्यों बेच रहे हैं?
क्या आप राष्ट्रभक्ति की कोई मिसाल पेश करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं हिंदी में ही पढ़ा जाए, इंग्लिश में कोई ना पढ़े? मैं हिंदी को प्यार करता हूं, हिंदी मेरा पहला प्यार है, लेकिन अंग्रेजी को भी पढ़ता हूं। आउटलुक जो 40 रुपए की है वो 100 रुपए की इंग्लिश की मैगजीन है। हिंदी और इंग्लिश की मैगजीन में इतना मूल्य में अंतर क्यों है? मैं भी तर्क से काम लेता हूं। सबसे पहले मैंने ये देखने का प्रयास किया, मैंने सोचा हो सकता है इंग्लिश इंडिया टुडे का सर्कुलेशन बहुत कम हो, और जब मैंने खोल के देखा तो हिंदी और इंग्लिश का सर्कुलेशन, रादर आई विल से द सर्कुलेशन ऑफ इंग्लिश एडिशन ऑफ इंडिया टुडे इज मोर देन हिंदी एडिशन, इवन दैट द प्राइस ऑफ इंग्लिश इज 100 रुपीज। क्या सरकार इन चीजों पर कोई नियंत्रण रख रही है? क्या केवल मुफ्त अनाज देकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे? क्या हम इस देश में लोगों को पढ़ने की सुविधाएं देंगे? राइट टू एजुकेशन कितना सफल हुआ है? राइट टू इंफॉर्मेशन सफल हुआ है, लेकिन उसको भी असफल बनाने की कोशिश की जाती है। राइट टू एजुकेशन कितना सफल हुआ है? कितने इस राइट टू एजुकेशन को लोगों ने साधारण जनता तक पहुंचाया है, जिनके लिए लाभ के लिए यह योजना बनाई गई थी। आज देश का नागरिक एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, और शायद यही कारण है कि चुनाव का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत इतना कम है। एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस देश का नागरिक कि आज से लगभग 77 साल पहले जब मध्य रात्रि को आजादी मिली थी, तब ऐसा विचार किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। मेरा तो जन्म ही उसके काफी बाद का 1959 का है, लेकिन दुखद स्थिति में है, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। विपक्ष है ही नहीं, समाप्त हो गया है, समाप्त कर दिया गया है। विपक्ष की भी अपनी इतनी कमियां हैं, वो इस चुनौती भरे वातावरण में भी एक साथ मिलकर पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सके। ममता बनर्जी, आपको आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी, मैंने पहले भी कहा था। इतनी सत्ता की भूख ममता बनर्जी आप में है कि आपने देश के लोकतंत्र को दांव पे लगा दिया। यदि देश की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आपने पूरा प्रयास किया है कि सामंजस्य बैठाया जाए, पूरे देश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते, मुझे मालूम है फिर जेल जाने वाले नेताओं की संख्या भी और ज्यादा बढ़ती, लेकिन हिम्मत से एक बार इस सत्ता के खिलाफ आप चुनाव लड़ने का प्रयास करते, शायद देश की जनता को एक विकल्प मिलता और देश की जनता एक नई सरकार चुनकर, एक नई आशा की किरण देखकर नए भारत के निर्माण के सपने को पूरा कर सकती थी। लेकिन आज चुकी जनता चौराहे पे खड़ी है, ठगी हुई महसूस कर रही है। यही कारण है लोकतंत्र में मतदान प्रतिशत कम होने का, और मुझे लगता है यही स्थिति आने वाले अगले जो फेज बचे हैं उनमें भी यही रहेगी। कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि जनता अपने आप को किंग कर्तव्य विमूढ़ समझ रही है। पब्लिक इज इन डायलमा, क्या करना चाहिए? विपक्ष सत्ता का भूखा एक नहीं हो सका, और सत्ता पक्ष इतना ज्यादा जनता को तानाशाही के शिकंजे में कस रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। महंगाई उदाहरण के साथ मैंने पेश किया है, हर क्षेत्र में, खाने के क्षेत्र में, कपड़े के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, पत्रिकाओं के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट, जो सुविधाएं कोरोना से पहले मिलती थी राजधानी में, बहुत सफर करता हूं मैं राजधानी में, किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन सुविधाएं बहुत कम कर दी गई। हम किस तरह का विकास कर रहे हैं? उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम क्या करेंगे जब हमारे देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी? कृपया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आने वाले समय में हमारे देश की जनता को, हमारे देश के विपक्ष को जागना चाहिए, इस देश को नई दिशा देनी चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।